अरे नहीं नहीं अभी नहीं थकना है, अभी तो बहुत लंबा सफर है यार। केदारनाथ जी के दर्शन के लिए गौरीकुंड पहुंच चुका हूं और बहुत सुंदर सफ़र रहा है, बहुत अच्छा मौसम रहा है। बट मौसम विभाग ने पूरी पूरी अलर्ट जारी की है, मौसम में कभी भी बर्फ़ है कभी भी बारिश है। तो मैं बता दूं हम लोग यहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं और मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये है 16 किलोमीटर पैदल ट्रैक का केदारनाथ जी की यात्रा का बोर्ड जो आपको सीधे गौरीकुंड से होते हुए लेके जाने वाला है केदारनाथ। भीमबल्ली रामबाड़ा लिंचोली से होते हुए जो है पूरा ये ऊपर केदारनाथ तक जाएगा और आज रात हम लोग केदारनाथ में स्टे करने वाले हैं। इस पूरे केदारनाथ जी की यात्रा में आपको अपने साथ बनाए रखेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। जय हो श्री केदारनाथ महाराज, जय हो केदारनाथ भगवान की। सो अभी मैं प्रेजेंटली मौजूद हूँ गौरीकुंड में। जी हाँ, कहते हैं केदारनाथ जी की यात्रा को शुरू करने से पहले आपको एक बार गौरीकुंड में ज़रूर आना होता है। ये गर्म पानी का कुंड है, बिल्कुल नेचुरली एकदम हॉट वाटर यहाँ पे आता है और देखो सब लोग ये ठंडे से मौसम में अपने इस ठंड को यहाँ पे मिटा रहे हैं और इसके बाद दे आर रेडी टू गो, दे आर रेडी टू क्लाइम दिस 16 किलोमीटर की जो चढ़ाई बताई गई है बोर्ड में जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको फाइट करने के लिए, उसको चढ़ने के लिए वी आर रेडी एंड गेटिंग वेरी प्रिपेयर्ड। बोले बोले यात्रा शुरू करने से पहले आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लें कि आपके जूते, आपके जैकेट, आपके बैग कोई भी आउट ऑफ मोशन ना हो, फटे हुए ना हो या फिर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे जो आपको 16 किलोमीटर तक बिल्कुल यू नो परेशान कर दिया, इसलिए गेट प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी। केदारनाथ की चढ़ाई में गौरीकुंड से आगे निकल गया हूँ, लगभग 4 किलोमीटर में आगे आ गया हूँ और अगले 3 किलोमीटर में जो है रामबाड़ा का पड़ाव पड़ेगा। तो रास्ते में इतना प्यारा सा सुंदर सा झरना मिल गया है तो ये तो बनता था यार। जय श्री राम। देवप्रयाग में गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए तो ब्रेक फेल में ही आते हैं। अरे वाह क्या बात है। तो ब्रेक फेल हुए तब वहाँ पे मतलब कैसे मिल गया था? कुछ नहीं मतलब बिना ब्रेक। अच्छा मतलब ट्यूबलेस टायर के सहारे पूरा ऊपर से बाबा के सहारे। ठीक है चलो अभी देख लेते हैं 80-90। देखो कितनी बड़ी शक्ति है बाबा के द्वार में, जबकि आप पहाड़ों में हैं जहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग की पूरी रोड मिलती है, एकदम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्मूथ रोड्स हो, पर फिर भी भाई लोग जो है, भाई बाइक कौन सी है पहले ये बताओ? गाड़ी कौन सी? KUV 100 ट्यूबलेस KUV 100। महिंद्रा के लिए शुभकामनाएं इस बात पे क्योंकि आपकी गाड़ी ने हमारे गुड़गांव से आए हुए बंदों को ऊपर भेजा। नाम बताओ अपना अपना यार। यमराज क्या आवाज है यार। ना जेल ना मेल सीधा प्रभु से मेल। तो जैसा मैं बता रहा था राज्य सरकारों की तरफ से आपके लिए व्यवस्था की गई है, लगभग हर 500 मीटर के दायरे में आपको मेडिकल की स्वास्थ्य की जो है बेनिफिट्स आपको देने के लिए छोटे छोटे कैंप्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ध्यान देना है अगर आप सांस की या फिर हार्ट की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको ये ट्रैक मुश्किल दे सकता है, दिक्कत दे सकता है। थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम 2 नहीं तो 4 लोगों के ग्रुप्स में आप लोग जो है चढ़ना शुरू करें। दोस्तों अगर आप लोग भी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां आने का बेस्ट टाइम मई जून अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपको मिलेगा। अगर आप लोग यहां पे नियरेस्ट एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो देहरादून के जॉली ग्रांड एयरपोर्ट तक आप लैंड कर सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बाय ट्रेन आ सकते हैं देहरादून, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और उखीमठ जैसे कस्बों को पीछे छोड़ते हुए आखिरी आखिरी के पड़ाव में आएंगे रामपुर, सीतापुर और सोनप्रयाग।
यहीं पे आप लोग अपना ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट पार्क करते हैं और फिर अगले 5 किलोमीटर तक आप लोकल शेयर टैक्सी में 50 रुपये का किराया देके पहुंचते हैं गौरीकुंड बस। और यहीं गौरीकुंड से शुरू होता है आप लोगों का 16 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक। तो हम लोग रामबाड़ा आ गए हैं। रामबाड़ा मैं आपको बता दूं, किसी जमाने में 2013 की आपदा से पहले वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर पॉइंट माना जाता था केदारनाथ की यात्रा के लिए। तो मेरे नीचे जो अभी बह रही है वो है मंदाकिनी नदी, चौराबारी ग्लेशियर। जी हाँ, चौराबारी ग्लेशियर के बारे में आप सबने सुना होगा। केदारनाथ के मेन शिखर जो कि लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पे है, चौराबारी ग्लेशियर से होते हुए ये मंदाकिनी नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है। और कितना ज्यादा फ्लो ये मंदाकिनी का है आप देख सकते हैं। कहते हैं सास और बहू, जिसमें अलकनंदा को जो कि इसी की मेन ट्रिब्यूटरी आगे की विंग है उसको सास माना जाता है, और भागीरथी को जो अपोजिट साइड से गौमुख में ड्रॉप होती है उसको बहू माना जाता है। तो सास और बहू का ये सुंदर सा जो है संगम आपको देखने को मिलता है देवप्रयाग में, जहाँ पे आप इसको जानते हैं माँ गंगा के नाम से। जी हाँ, और देवप्रयाग से लेके और बंगाल की खाड़ी तक पूरा बिहार पटना होते हुए आप गंगा माँ के इस पावन आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं और इस पूरी नदी के स्वच्छता के जल को आप लोग ग्रहण करते हैं। तेरह की आपदा के बाद इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं तो ये पूरी घाटी जो है अपने साथ समाते हुए पूरी मंदाकिनी नदी अपने साथ ले गई उस टाइम पे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रास्ता ये रामबाड़ा है, उस ऊपर जब आप केदारनाथ की तरफ चढ़ेंगे तो ये मंदाकिनी नदी के बाएं हाथ से ऊपर जाते हुए बाएं हाथ में ये रास्ता हुआ करता था। अगर आप देखेंगे तो ये पीछे का जो पूरा एरिया है ये पुराने रास्ते का है, और ये अब हम हैं नदी के दाएं हाथ में, राइट हैंड साइड में ऊपर चलते हुए। तो ये नया रास्ता बनाया गया है जो आपको छोटा लिंचोली होते हुए पूरा ऊपर, सामने पे बर्फ की आपको पहाड़ी दिख रही होगी, ये केदारनाथ जी के शिखर के लिए ही ये रास्ता है। जहाँ अच्छे खासे ऑफ रोडिंग कार्स अपना दम तोड़ दे, जहाँ लैंड रोवर थार डिफेंडर ना पहुँच पाए, वहाँ मिलता है आपको सोनालिका। पानी के स्रोत आपको ऑलमोस्ट सब जगह मिलेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुंदर सुंदर से इन वादियों के बीच में पहाड़ों से रिश्ता हुआ हुआ ये पानी मिलेगा, बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी और बहुत साफ। तो अभी मैं बड़ी लिंचोली में आ गया हूँ, पीछे हमने छोटी लिंचोली छोड़ी है। जिम वेन के कुछ गेस्ट हाउस वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, आपको यहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी, आपके फ्रेश होने के लिए, पुप करने के लिए, आपको टॉयलेट्स वगैरह और आपकी मेडिकल की फैसिलिटी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सब मिलेंगी। यकीन मानिए, अगर आपको लगता है केदारनाथ की चढ़ाई बहुत आसान है तो आप बहुत गलत सोचते हैं। केदारनाथ इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक, आपको फिट रहना है काफ़ी, आपको मेंटली फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, आपको ध्यान देना है हर समय, मौसम का अपडेट आपने ध्यान में रखना है, कभी भी बर्फ़ है बारिश है तो प्रॉपर रेनकोट, गेटर्स, स्पाइक्स अगर बर्फ़ है तो, और नहीं तो आपके प्रॉपर आप अपने ट्रैकिंग ट्रैवल के लिए प्रॉपर अपने शूज़ वगैरह लेके आएँ, ऐसी वाटरप्रूफ जैकेट्स वगैरह लेके आएँ। और इस सुंदर से लिंचोली के नज़ारे को देख रहे हैं आप। विनोद सूरज, कैसा लग रहा भाई? बढ़िया। पहली बार है तेरा केदारनाथ का सफ़र? हाँ। तो कैसा लगा, मतलब पहाड़ों का? तो खैर पहाड़ी बॉय, वी आर द पहाड़ी बॉयज, बट मैं जानना चाहता हूँ एक पहाड़ी का एक्सपीरियंस क्या बोलता है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, भगवान बोले के दरबार में है, दो शब्द कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई। सूरज कह रहा है भाई, भैया अभी थकान लगी है, अभी पहले ऊपर चढ़ने दो। तो धीरे धीरे देखो बर्फ़ भी शुरू हो गई है रास्तों में, और ऊपर फुल हैवी ड्यूटी बर्फ है, अभी दिखाता हूँ आपको। किसी ने सही बोला है मेरे दोस्त, मंजिल की अगर चिंता करोगे तो रास्तों के मज़े कैसे लोगे। ये अगर भोले बाबा का बुलावा है ना, तो हर रास्ता हर दिक्कतों से जूझते हुए भी आप आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये है केदारनाथ के शुरुआती ग्लेशियर जो आजकल बर्फ के कारण रास्तों में आपको मिलता है। दोस्तों
आपकी केदारनाथ की ये यात्रा को आसान बनाने के लिए आप चाहें तो 3 से 6 हज़ार के बीच में अपने लिए घोड़ा बुक करा सकते हैं, या फिर 4 लोगों की पालकी जो कि आपको 12 से 16 हज़ार के बीच में मिल जाएगी, आप इसको भी अपने लिए बुक करा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं या सामान ज़्यादा है तो आप अपने लिए कंडी जो कि आपको 6 से 10 हज़ार के बीच में मिल जाएगी, इसको बुक करा के आगे बढ़ सकते हैं। या फिर ज़्यादा एसेसिबिलिटी के लिए आप चाहें तो हेलीकॉप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको एक तरफा लगभग 5 हज़ार और आने और जाने के लिए लगभग 8 हज़ार का मिल जाता है। बट अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करके बोलूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग पैदल यात्रा कीजिए। तो दोस्तों ये था केदारनाथ व्लॉग पार्ट 1। इसके पार्ट 2 में मैं आप लोगों को केदारनाथ के दर्शन कराऊंगा और साथ ही साथ लेके जाऊंगा भैरवनाथ जी के मंदिर में, क्योंकि माना जाता है अगर आप लोग केदारनाथ आए हैं और भैरव के मंदिर ना जाएं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। इसके साथ ही साथ हम लोग जाएंगे आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के दर्शन करने, और साथ ही साथ हम दर्शन करेंगे शक्तिशाली भीमशिला को। जी हाँ, 2013 की आई केदारनाथ की आपदा में कैसे इस भीमशिला ने पूरे मंदिर के प्रांगण को बचाया, और इसके साथ ही साथ लगभग 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको अगले व्लॉग में केदारनाथ जी के बारे में, यहाँ की पूरी घाटी के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ अगले इस व्लॉग में। बैकपैकर जय हिंद।